Gracias. Sir. Thank you. Pension certificate and yeah, wait, look here. Joining letter. Haji sir, I'm going to Java. Balaji Kelly, sir. And आज या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या हाजी सरांचा मातोश्री हां चाची यहाँ पे या यू प्रोटेक्शन त्यांना सर्वांना मंचावर बोलवून एकत्रित सगळ्यांचा सत्कार म्हणून मी हाजी सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्या आठही जणांचा एकत्रित सत्कार करावा. कृपया फोटोग्राफरनी पटकन ऍक्टिव्ह होऊन फोटो काढून लवकरात लवकर आवरायचे. तुम्हाला पण थंडी वाजत नाहीये वाटतं? नाशिकची थंडी काय मानवली नाही फोटोग्राफर्स लोकांना, खूपच कमी थंडी वाटते त्यांना, त्याच्यामुळे त्यांचं खूपच आरामात चालू आहे. बाकी आणि तो खूप महत्वाचा आहे की टेलिव्हिजन मिळालं पाहिजे, त्यासाठी आम्ही छोटासा एक अवॉर्डचा कार्यक्रम आम्ही इथे लोग कोई भी अवेयरनेस का एक इमेज बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं. पता नहीं डॉक्टर साहब के पास ऐसी कौन सी जादू है जिसके जरिए से वो दूसरी एक इमेज उनकी फोटो लगाकर भारतीय मानवाधिकार परिषद का प्रचार इस तरीके से करते हैं. दिल को छू लेने वाली चीजें डॉक्टर साहब के जरिए से की जाती है और मैं आशा करता हूं डॉक्टर साहब भविष्य में पूरी जिंदगी भर आप इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया परिवार का प्रचार प्रसार करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत खुशी होती है आप इस तरीके के इमेजेस बनाकर समाज में उसका अवेयरनेस करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जिंको दुबे मुश्ताक शेख ये भी ऐसा एक इंसान है कल्पेश जी, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी इमेज, ये ऐसे अवार्ड है जो बेस्ट सोशल मीडिया अवेयरनेस अवार्ड कल्पेश जी को और डॉक्टर जी को और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको देना है. तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ और इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रचार प्रसार इस तरीके से आगे भी करते रहे, पूरी आशा करता हूँ. ज्यांचे जेवण झाले त्यांनी चेअर्सवर बसून घ्यायचं आहे. एक राष्ट्रीय अध्यक्षांचं अजून भाषण बाकी. आप भी भारतीय मानवाधिकार परिषद का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे इतना अच्छे से करते हैं, हम आपसे काफी प्रभावित हैं और हमें आशा करते हैं कि भविष्य में आप इस तरीके से प्रचार प्रसार ह्यूमन राइट्स के लिए करोगे. धन्यवाद. इंसान है, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ इस बेचारे की शादी के लिए दुआ कर दे और भगवान से प्रार्थना मांग ले कि इसकी शादी हो जाए. और मैं मेरे तरफ से ऐसी दुआ करता हूँ, ये बिना शादी का ऑफिस में 20 दिन आता है, अगर से शादी के बाद 10 दिन आना वाला होगा
तो कृपया करके भगवान कभी भी इसकी शादी न कराए। धन्यवाद। सर ऐसी बात मत करिए, उनके माता पिता बहुत भूखमिंद क्या है नासिक। सही, बिल्कुल सही चीज है। ये एक ऐसा इंसान है, ऐसा लड़का है जो आप लोगों को, हम लोग हर जगह पे जाते हैं, कहते हैं कि भारतीय मानवाधिकार परिषद का सबसे पहले टोल फ्री नंबर है, वो भी 24 घंटा चलाते हैं, उसी का 24 घंटे का जो फॉलोअप लेते हैं, यही शख्स लेते हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, कृपया इनके लिए तालियां बजाए। धन्यवाद सबको। मी तेजस बोलचे, माता पिता व्यासपीठ कोण म्हणत व्यासपीठ आहे। थैंक यू। हर्ष हर्ष हर्ष। हजार डेढ़ हजार लोग थे। अगले साल देखते रहिए, मुंबई में कार्यक्रम होगा, कम से कम 20 से 25 हजार लोग रहेंगे। ये हमारी जबान है और आपका यहाँ से वचन है। धन्यवाद। समोर मनोज तेवढी गर्दी नाही आहे। सबसे पहले मैं सभी को, मेरा सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। भाई और सभी भारतीय मानवाधिकार परिषद के सम्माननीय पदाधिकारियों को और सभी मेंबरों को भारतीय मानवाधिकार परिषद का चौथा वर्धमान दिन मुबारक हो। मैं इस मंच से ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सच्चाई से 100% सही बोलूंगा। भाइयों, मैंने जब या हमने जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं बनाए थे, तब तक मुझे मेरा जन्मदिन का तारीख भी याद नहीं था। और ये तारीख जो याद दिलाने वाले जो इंसान हैं, जो शख्स हैं, जो सिटी के हमारे पदाधिकारी हैं, वो इसी शहर के हमारे नासिक परिवार के सभी मेंबरों ने और पोस्ट होल्डरों ने मेरा सबसे पहले बर्थडे मनाया था। उसी दिन के बाद से मुझे मेरे बर्थडे का तारीख याद हो गया। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, कृपया इन सभी के लिए तालियां बजाकर इनका सत्कार करें। और मैं, मुझे गर्व है, ऐसे लोग मेरे साथ में हैं, और आशा करता हूं पूरी जिंदगी भर भले कुछ भी हो जाए सुनील भाई, किसी कीमत पे आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और हाजी शेख को नहीं छोड़ोगे। ये मुझे आपसे वचन चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और पूरे नासिक टीम से चाहिए। नासिक टीम, मुझे पता है आप लोग नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरा कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ये बुलवा लिया आप लोगों से। तो इस तरीके का काम हमारे भारतीय मानवाधिकार परिषद के सभी पदाधिकारी करते हैं। ये बताने का रीजन ये था कि भाई ऐसे लोग इस शहर में रहते हैं, और सच्ची बात बोलूं, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, हमारे कई सारे पदाधिकारी लातूर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, बिहार से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, और कई जगह से हमारे कई लोग आए हैं, बैंगलोर से भी, कर्नाटक बैंगलोर एक ही हो गया सर, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे जो नासिक की जो टीम है, आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है, कहीं पर भी नहीं। इनमें जो एक इच्छा है समाज सेवा करने की, ये शायद उनके रगों में दौड़ती है। इसीलिए भारतीय मानवाधिकार परिषद का पूरा जो सिस्टम है नासिक से ऑपरेट होता है। एक बात बोले जाएगा तो, और मुझे बहुत आशा है नासिक में। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे 1500-2000 लोग तो अभी हैं,
एक नथिंग वर्ड है ये 2015 आने वाले एक साल में शायद एनिवर्सरी कहां पे होगी उसकी तो कुछ तारीख हमने डिसाइड नहीं की है, लेकिन जहां पर भी होगी नासिक से कम 2000 लोग उधर पहुंचेंगे, ये मेरे को 110% पता है जी। नासिक दुनिया सभी आ गए भाई, मैं स्पेशल किसी जी इंशाल्लाह ऐसा कमिटमेंट नहीं करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह देखेंगे क्या प्रोग्रेस होता है कहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। कई सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे पास दो, इसका यहाँ पे सही जवाब देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो भाइयों ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोग आज पूरे भारत में 26 राज्यों में काम कर रहे हैं और एक छोटी सी संस्था 2-3 लोगों से शुरू हुई है संस्था, आज 5,000-10,000 लोग हमारे साथ में जुड़ गए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं सभी जगहों पर बोलता हूँ और यहाँ पर भी बोलूंगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए से अभी तक तकरीबन 6,000 से ज्यादा केस सॉर्ट आउट हुए। इसका एक विश्लेषण कीजिए, इसको एक कैलकुलेशन कीजिए, अगर से इसमें से अगर से आधे भी केस कोर्ट में चले जाते उनका समय और उनका पैसा कितना जाता, आप लोग को खुद को पता होगा सभी लोगों को। एक केस का मैं ज्यादा नहीं 20,000 में पकड़ू तो 3,000 केस का पैसा कितना, सोच लीजिए मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ सुनील बोर से जी। कई सारे ऐसे केस थे जो लाखों रुपए खर्चा होने थे लेकिन हम लोगों ने उसको फ्री में करके दिया। कुछ ही महीनों पहले हमारे पास एक महिला आई, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग किसी का चीजें उजागर करने का कोई राइट्स नहीं बनता है। वो आए और हमारे पास बोले सर मेरे कजिन है, उसको मैंने रेंट पे दिए थे, रजिस्टर एग्रीमेंट बना के दिए थे फ्लैट उसको, वो 4 महीने से खाली भी नहीं कर रहा था प्लस उसको भाड़ा भी नहीं दे रहा था। वो महिला, मैं पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा, कई सारे पॉलिटिकल लीडरों के पास शाखाओं में आमदार खासदार पुलिस स्टेशन में सभी जगहों पर गई, उनको 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 की डिमांड की गई है और वो मैडम हमारे ऑफिस में आके 4-5 मिनट कंटिन्यू रोते रहे मुझे बताने के बाद। और जब मेरे बातें सुने तो वो मुझे ऐसा बोल के गए हाथ मिला के हाजी भाई मुझे लास्ट आशा यहीं से, लास्ट उम्मीद यहीं से है और मेरा कृपया मेरा काम कर दीजिए। मैंने 15 दिन के अंदर बिना पैसे लिए उनसे उनका काम करके दिया, उसके बाद उन्होंने खुशी से आकर हमें आधा किलो मिठाई और 5,000 रुपये संस्था को डोनेशन लेके गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक केस भी कोर्ट में चला जाता तो उसको भी 7-8 महीने साल भर चले जाते, ऐसे काम हमारे जरिए से किए जाते हैं। एक शख्स यहाँ पे और एक बैठे हैं बीजू नायर जी, इनके जरिए से मैं बताना चाहता हूँ इस साल हम लोग सभी जगहों पर बोलते हैं राजीव गांधी योजना के तहत हमारे पास निःशुल्क ऑपरेशन होता है। भाइयों ये राजीव गांधी योजना हमारे बाप की नहीं है, सरकार की स्कीम है, पैसे आपके हैं, आप लोग टैक्स देते हैं उसी का बदौलत से वो स्कीम सरकार चलाती है, वही स्कीम आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। राजीव गांधी योजना के तहत आज तक मैं जहां पर भी गया सभी लोगों ने यही बोला कि 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए तक का ही ऑपरेशन निःशुल्क होता है। इसका एक जागता हमारे पास उदाहरण शायद हो सकते हैं, इलियास भाई यहाँ पे मौजूद है क्या? इलियास भाई शायद नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम लोग ने इस साल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का ऑपरेशन फ्री में करवाए, कितना 1.5 करोड़ रुपया सोचिए। ऐसे काम हमारे कई सारी पदाधिकारियों के जरिए, आतिश तिवारी बैठे, आतिश तिवारी किधर गए, भाग गए यहां से? आतिश तिवारी शायद नहीं है, कोई इशू नहीं है। आतिश तिवारी जी ने भी एक बहुत बड़ा स्कैम ओपन किया है, जी मैं भी सैल्यूट करता हूँ बीजू नायर जी को और सभी से गुजारिश करूंगा उनके लिए तालियां बजाएं। तो इस तरीके का हम बहुत सारे हमारे संस्था के जरिए से, मूसा शेख यहाँ पे मौजूद है क्या? मूसा शेख शायद नहीं है, सबको भूख लग गई, सब लोग खाना खा रहे, कोई इशू नहीं है। मूसा शेख भी ऐसे इंसान है जो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो डरते हैं, वो जाके जब पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं ना पुलिस वाले उनको बाहर निकालने का सोचते कि वो किस तरीके से क्या कौन सी गोली देके कौन सा लॉलीपॉप देके कौन सा चॉकलेट देके पहले बाहर निकाल दो इनको। और जब वो अंधेरी बीएमसी में जाते हैं बीएमसी के उनको गार्ड दिए जाते हैं 4-5 भाई तुम जो भी काम करना है करके जल्दी निकल जाओ, रुको मत,
इस तरीके के दहशत ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जरिए से उन्होंने बनाई है। मैं चाहता हूं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करें। आपको गलत कुछ नहीं करना है जाके वहां पे। हमारे एक भाई आए थे सुनील, शायद पप्पू भाई के कोई दोस्त थे पॉलिटिकल, वो बता रहे थे कि कई सारे घोटाले नासिक शहर में हुए हैं। ये उठाइए आप लोग, और जहां पर आपको ये महसूस हुआ मुझे यहाँ पे तकलीफ होने वाली है, वहां पर हाजी शेख का नाम और हाजी शेख का लेटर है यूज कीजिए। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं जब तक आप लोग मेरे पीछे खड़े। और मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में, पूरे देश में, हमारे हर शहर में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो एक नगर सेवक भी कुछ कांड करता होगा, घोटाले करता होगा, तो उसको निकाल के बाहर रखते हुए वो नगर सेवक भी मजबूर हो जाए कि मैं कोई घोटाला करूं या नहीं करूं। क्योंकि हर नगर सेवक, हर आमदार, हर खासदार लगभग लोग करते हैं। मैं सभी का नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट तो लोग करते ही है, 110% करते हैं। नहीं करते हैं तो वो लोग बोलो आके यहाँ पे चैलेंज से कि मैं नहीं किया हूं बोल के। मैं नाम लूंगा, वो लोग भी आके बोल सकते हैं यहाँ पे। और मैं भारत सरकार से और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा काम किया नोटबंदी करके, मैं आपको सलूट करता हूँ इस मंच से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कृपया आप एक और काम कीजिए, शायद हमारे देश के जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है उसके जरिए से हमारे पूरे देश का कर्जा भी मिट जाएगा। वो काम ये है, हम लोग बोल रहे करें नहीं करें उनकी मर्जी भाई, हम जनता की तरफ से आवाज उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मान ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके बारे में रोज हजारों चीजें निकलती है, वो सुनते हैं।